एक सुंदर गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक भयानक भूतिया नागिन रहती थी। गांव के लोग उस तालाब पर जाने से डरते थे क्योंकि वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता था। एक दिन गांव के चार दोस्त राम, श्याम, मोहन और सोहन ने सोचा कि वे तालाब के पास जाकर इस भूतिया नागिन की सच्चाई जानेंगे। वे अपने घर से कुछ खाने पीने की चीजें लेकर निकल पड़े। शाम को वे तालाब के पास पहुंचे और वहां एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। रात को जब सब कुछ शांत हो गया, वे चारों दोस्त तालाब के किनारे बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। अचानक वे एक अजीब सी आवाज सुनते हैं। वे डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वे एक विशाल नागिन को तालाब के पानी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। नागिन ने उन्हें देखा और बोली, आज बहुत दिन बाद चार हो गए हैं। आज मैं तुम चारों को मारकर खा जाऊंगी। तुम हमें जाने दो ना बोलूं तुम जो कहोगी हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे एक मंत्र की तलाश है जो मुझे अपने उस प्रमुख नागिन लोग से मुक्त दिला सकता है। मैं एक साधारण मंत्री बनकर अपने परिवार के साथ जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं पहले एक साधारण मंत्री थी। मुझे एक तांत्रिक ने श्राप देकर भूतिया नागिन बना दिया। चले गए। वे दिन रात मेहनत करके पुराने किताबों में से उस मंत्र को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अंत में वे उस मंत्र को ढूंढ लेते हैं और जाकर नागिन को बता देते हैं। हमने उस मंत्र को ढूंढ लिया। नागिन उस मंत्र का जाप करती है और वह एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। वह लड़की चारों दोस्तों का धन्यवाद करती है। मेरी मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अपने परिवार के पास लौट जाती है। गांव के लोग इस घटना को सुनकर हैरान हो जाते हैं और वे चारों दोस्तों की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं और इस तरह एक डरावनी नागिन के कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।